हार्ड लक, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आप लोगों के लिए, लेकिन गेम को क्या आप कैसे सम अप करेंगे? गेम को मैं इस तरह से करूंगा कि ये जो टीम है SSGC जो यू नो पाकिस्तान की नंबर वन टीम में से आती है और उसके सामने फाइट करना काफ़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ सालों से हमारी टीम KPT काफ़ी उसका मोरल जो है वो काफ़ी लो था, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए सेमीफाइनल में पहुंचना और ऐसा टफ फाइट देना SSGC जैसी टीम को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और थैंक यू कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो उन्होंने चलाया। तो ये आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप लोगों का मोरल और जो लोगों का कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा कम था KPT में रिसेंटली, लेकिन क्या आपको लगता है कि अंडरडॉग हो के आप लोग जो फेवरेट नहीं होते थे मैच के लिए, आपने पहले एक बहुत फेवरेट टीम को CA को हराया, उसके बाद आपने इतनी टफ फाइट दी, इतना आगे तक पहुँचे, क्या ये जो मोरल लोगों का आप में कम बिलीफ था इसने आपको आगे और बढ़ाया और मोटिवेशन दी क्या? ये लोगों की जो डीमोटिवेशन वाली बातें हमारे लिए थी कि KPT पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अब KPT का मोरल जो है वो ऐसा नहीं है, ये हमें मोटिवेट करता था बहुत ज़्यादा। तो हमने जो ये डीमोटिवेशन वाली चीज़ें थी इसको हमने पॉजिटिव लिया। हमारे कोच स्पेशली हमारे कप्तान वसीम चीना, जिसका बहुत बड़ा हाथ है टीम को इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बिल्डअप और मोटिवेट किया है, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं सेमीफाइनल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए। तो फ्यूचर में अब आप इस टूर्नामेंट के जो आपने परफॉर्मेंस दी है और जो आपको अब मोरल का बूस्ट मिला है उसको आप आगे किस तरह लेके जाएंगे? अब फुटबॉल एक्टिविटी जो वापस रिज्यूम हो रही है, फुटबॉल एक्टिविटी को हम आगे कुछ इस तरह से लेके जाना चाहेंगे, जैसे हमारे कोचेस ने प्लान किया है कि अभी हम लोग पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी रेस्ट, क्योंकि ये जो हमारी अचीवमेंट है इसको हमें बरकरार रखना है, क्योंकि जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं आगे चल के हमें अपना मोरल दोबारा डाउन नहीं करना बल्कि उसको और अप करना है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी हमें इंशाल्लाह टॉप 4 या टॉप 1 में ज़रूर आना है इंशाल्लाह। और लास्टली आपको एज अ टूर्नामेंट ये चैलेंज कप कैसा लगा? इसकी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल, उसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या चीज़ आपको लगता है बेहतर हो सकती है? ये जो टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि इनकी जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो काफ़ी हमारे साथ फ्रेंडली रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि हमें इतना सपोर्ट किया इस हालात में कि कोविड का पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से ये जो टूर्नामेंट था ये नहीं चलने वाला था, लेकिन फिर भी हमारा जो ये लक था कि ये टूर्नामेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्नामेंट बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है। टीमें अपनी पूरी ज़बरदस्त तैयारी के साथ आई हैं और जो ये प्रोग्राम किया है इन्होंने काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी बहुत बेहतर हुआ है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है और काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंजिंग हमें मिली है और काफ़ी पॉजिटिव चेंजिंग मिली है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हार्ड लक, थैंक यू।